भगवान बचाए इन बच्चों से। नाक में दम कर देते। अब जरा चैन से अखबार पढ़ लूं। तो साफ नजर नहीं आ रहा। चश्मे की धूल भी साफ कर ली, फिर भी कुछ साफ नजर नहीं आता। रोशनी कम है। हाँ, ये बल्ब जलाता हूं। ये आवाज कहां से आई? ये जरूर गोपू गीतू छिप के कोई नई शैतानी कर रहे हैं। गीतू गोपू, तुम छिप कर नई शैतानी कर रहे हो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज कहां से आई? ये कौन हो तुम? कहां हो? अखबार नहीं पढ़ पाए, रोशनी करने जा रहे थे, इसीलिए फंस रहा हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम आए कहां से हो? और तुम हंस क्यों रहे हो? अब रोशनी करने के लिए अब बल्ब तो जलाना ही पड़ेगा। रोशनी जरूर करनी पड़ेगी, मगर मेरी धूल साफ करके। चश्मे की धूल तो साफ कर ली, मगर रोशनी करने से पहले मेरी भी तो धूल साफ करते। पर तुम हो कौन और कहाँ हो? मैं तुम्हारे सामने। तुम यानी बल्ब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आए कहां से हो? एक बार में एक सवाल और एक जवाब, क्या समझे? हाँ हाँ, मैं बल्ब ही हूँ, घर घर में उजाला करने वाला कांच का बल्ब। चलो तुम्हारे दूसरे सवाल का भी जवाब दिए देता हूँ कि मैं कहां से आया। ये जरा टेढ़ा है, मैं इतनी सरलता से नहीं आया जितना कि तुम सोच रहे हो। अगर तुम सचमुच में मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? मेरी फैक्ट्री में। फटकरी में? यानी तुम फटकरी में बनते हो? फटकरी नहीं, फैक्ट्री। हाँ, मैं बल्ब की फैक्ट्री में बनता हूँ, चलोगे मेरे साथ? पोपू गीतू को तो बल्ब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा, बड़ा मजा आएगा। अरे तुम क्या सोचने लगे, चलो ना मेरे साथ। वहाँ पर मेरे जैसे न मालूम कितने ही बल्ब होंगे, रंग बिरंगे, छोटे बड़े। अच्छा, हाँ हाँ, चलो चलो चलो। पहले आग तो बंद करो। यही है बल्ब की फैक्ट्री, जहाँ तरह तरह की इन मशीनों और ढेर सारे लोगों की मदद से बनाए जाते हैं तरह तरह के बल्ब, छोटे बड़े रंग बिरंगे ढेरों तरह के। देखने में ये कांच के बल्ब ऐसे लगते हैं जैसे हाथ लगाते ही टूट जाएंगे। लेकिन ये इतने नाजुक नहीं है। आओ पहले देखें कि बल्ब का कांच का बाहरी खोल कैसे बनता है। यहाँ उस बाहरी खोल को ही बनाने की तैयारी हो रही है, जो बनता है कुछ रसायनों और एक खास तरह के रेत द्वारा, जिसे कहते हैं सिलिका रेत, है ना? आम रेत से ज्यादा चमकदार। इन रसायनों और सिलिका रेत को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, साथ ही इस मिश्रण में मिलाते हैं टूटा फूटा कांच।
सारी चीजों को मशीन में खूब अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। अरे अरे, ये सारा का सारा मिश्रण कहाँ ले जाया जा रहा है? नहीं मालूम ना? अरे भाई, ये गरम भट्टी में डाला जाएगा। पिघलाने के लिए कांच, पिघलाने की ये भट्टी हर वक्त जलती रहती है और इसमें डालते रहते हैं कांच बनाने का यह मिश्रण। ये देखो, गर्मी से ये सारी चीजें पिघलने लगी। जब ये मिश्रण पूरा पिघल जाएगा तब इसी से बनेगा बर्फ का कांच का खोल। अरे, इस लंबे छड़ को इस पिघले कांच में क्यों डाला जा रहा है? नहीं जानते ना, अभी पता चल जाएगा। बस देखते चलो। छड़ के एक सिरे पर पिघला कांच लग गया। अब छड़ को दूसरे सिरे से फूंका और ये कांच का गुफाया सा फूलने लगा। अगर बड़े बल्ब बनाने हो तो लंबी छड़ों को पिघले कांच में डुबोते हैं। कुछ फुलाने के बाद इस गुब्बारे जैसी चीज को इस सांचे में डालकर और फुलाया जाता है। लो, ये बन गया ना कांच का बाहरी खोल। अब बल्ब के खोल का किनारा गर्म होकर कटता जा रहा है। बड़े बल्ब बनाने के लिए उनके बाहरी ढांचों को मुंह से फुलाते हैं, लेकिन छोटे बल्ब बनाने हो तो फुलाने का काम करती है ये मशीन। एक साथ ढेरों बार फूलते हैं छोटे छोटे गुब्बारों की तरह। फूले फूले से ये गुब्बारे मशीन द्वारा ही सांचों में डले जाते हैं। देखो देखो, कट कट कर गिरते जा रहे हैं ये बल्ब और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो, तैयार हो गए बल? नहीं भाई, अभी तो बहुत काम बाकी है। अब अगर बल्ब को रंगीन बनाना हो तो उनमें पहले रंग भरा जाएगा। ये देखो, ये चली रंग की पिचकारी और उसने इस कांच के खोल को भीतर से रख दिया। रंग भरे बल्ब को सुखा दिया और बन गए रंगीन बल्ब। बल्ब चाहे रंगदार हो या बिना रंगदार, उसका असली काम है जलकर रोशनी देना। बल्ब के अंदर ये जो घुमावदार तार है जो जलकर रोशनी देता है, बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट बनाने के लिए तार को स्प्रिंग नुमा तार कैसे बनाते हैं मालूम है? इसे टंगस्टन नाम की धातु के बहुत पतले तार से बनाते हैं। टंगस्टन के पतले तार को एक दूसरे धातु के तार पर लपेटा जाता है मशीनों की मदद से। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं।
टुकड़ों से अगर भीतर वाली तार निकल जाए तो बाहर की धातु का स्प्रिंग नुमा तार मिल जाएगा। इसके लिए इन तार के टुकड़ों पर डालते हैं अम्ल। देखा, इसके डालते ही रासायनिक क्रिया होने लगी। अब भीतर वाली धातु का तार गल जाएगा और बच जाएंगे टंगस्टन के स्प्रिंग नुमा तार। इन्हीं से बनेगा फिलामेंट। बस को ध्यान से देखो, बीच में है फिलामेंट, एक लंबी ट्यूब और दो तार, इन्हीं की मदद से फिलामेंट तक बिजली पहुंचती है। आओ देखें कि दोनों तार कैसे बनते हैं। तारों को तीन तरह की धातुओं को जोड़कर बनाया जाता है। तारों को जोड़ने और काटने का सारा काम करती है ये मशीनें। फिलामेंट का तार भी बन गया। फिलामेंट तक बिजली पहुंचाने का तार भी बन गया। पर अभी तो कांच की दोनों नलियां बननी बाकी रहती हैं, जिनसे तार लगेंगे और फिलामेंट को सहारा दिया जाएगा। देखा, यहाँ ये नलियां ही बन रही हैं। इनमें दो तार जुड़ेंगे। मशीन से कट कट कर गिरती जा रही है ये नलियां। देखो ढेरों नलियां उछलती हुई नाचती हुई कैसे चली जा रही है। और आप मशीन द्वारा इन नलियों में दोनों तार डालते जा रहे हैं। लो, अब इन नली में एक और नली जुड़ गई, लंबी सी भला क्यों, फिलामेंट को सहारा देने के लिए और बल्ब हवा भरने या निकालने के लिए। अरे अब क्या होने लगा? करक करके नली में तारों को जोड़ा जा रहा है और नली का सिरा भी बंद हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस नली में हवा भी फूकी जा रही है ताकि बीच की नली पिघल कर बंद ना हो जाए। जरा देखो यहाँ क्या हो रहा है।
चुनते हैं फ्लैमेन का फंदा। और यहाँ लंबी नली में जुड़ गई कई तार जो फिलामेंट को सहारा देंगे। ये फिलामेंट को मशीन द्वारा ही दे दिया गया सही आकार। अब फिलामेंट पर चढ़ा दी गई लाल फास्फोरस की परत ताकि फिलामेंट लंबे समय तक ठीक रहे। पहले बल्ब में लगाई जाती है मोहर। अब कांच की नली से जुड़ा ये फिलामेंट जुड़ेगा बल्ब के बाहरी ढांचे में। अरे देखो, अब कांच की नली सहित फिलामेंट को एक ऊंची जगह पर रखकर उसके ऊपर बल्ब का कांच का खोल लगती जा रही है ये मशीनी उंगलियां। लो, अब गरम आग द्वारा बल्ब का भीतरी भाग जुड़ गया बल्ब से कांच के खोल में। देखा, अपनी मंजिल तक पहुंचने की खुशी में बल्ब कैसे नाचने लगे। इस लंबी नली से बल्ब की हवा या तो बिल्कुल निकाल देते हैं या उसमें गैस भर देते हैं। उसके बाद बल्ब में लग गई ये टोपी। बल्ब के बाहरी तारों को काट कर ऊपरी हिस्से को भी मोहर बंद कर दिया गया। बल्ब तैयार पैकिंग के लिए। पर पैकिंग से पहले बल्बों की जांच होती है अच्छी तरह। जान गए ना कि मैं कैसे बना और कहां से आया। जान गया, बिल्कुल जान गया। और एक ऐसी बात जान गया जिसे गीतू और गोपू भी नहीं जानते। हा, 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 अब बड़ा मजा आएगा। अरे ये शैतान कहीं छिपकर ही तो नहीं कहीं यहां बैठे, या उन्हें पहले से ही तो नहीं मालूम कि बल्ब कैसे बना।